सीधा पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में जहां वडाप्रधान पहुंचा छे। तो नायब सिसोदिया शपथ ग्रहण समारोह के ज्यां वडाप्रधान पहुंचा छे, भाजप शासित प्रदेशों मुख्यमंत्रियों ने आमंत्रित करवामां आव्या हता। मोटा भागना नेताओं आ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा छे। जेपी नड्डा के जे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा, अमित शाह पण आ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा छे। नायब सिसोदिया टूंक समय में हरियाणा मुख्यमंत्री पदना शपथ ग्रहण करशे। तो मोटा भागना नेताओं आ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा छे। राजनाथ सिंह सहित अनेक नेताओं अहीं उपस्थित रह्या छे। वडाप्रधान पण उपस्थित रह्या छे। योगी आदित्यनाथ पण शपथ समारोह में उपस्थित जोवा मळ्या। तो नायब सिंह सहित मंत्रियों ने राज्यपाल होद्दाना शपथ लेवडावशे। नायब सिसोदिया शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा खाते चंडीगढ़ में। आ शपथ ग्रहण समारोह गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पर चंडीगढ़ पहुंचा है। शपथ ग्रहण समारोह में मोटा भागना भाजप शासित प्रदेशों मुख्यमंत्रियों ने आमंत्रित करवामां आव्या हता, ज्यां तमाम लोग पहुंचा छे। अतिथि देवो भव सर्वोपरि है। यहां उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उपमुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं। और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं श्रीमान। आज बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सबके लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।
आए। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणाना दृश्य के जे नायब सिंह सैनीए शपथ ग्रहण कर्या छे, वडा प्रधानने विशेष उपस्थिति जोवा मळी छे। माननीय राज्यपाल महोदयने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के
मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।